सभी को प्रणाम। भगवान वेद नारायण जी के चरणों में कृतज्ञता पूर्वक वंदन करता हूं। सनातन संस्था एवं हिंदू जनजागृति समिति की ओर से धर्म संवाद के इस विशेष कार्यक्रम में मैं कार्तिक सालुंग के आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। बंधु, धर्म संवाद के इस कार्यक्रम में हमने सनातन भारतीय हिंदू संस्कृति के मूलाधार धर्म ग्रंथ वेद और अन्य धर्म ग्रंथ का महत्व समझ कर ले रहे थे। वेदों का अनन्य साधारण महत्व, उसमें समाया अद्भुत ज्ञान, उसमें उस ज्ञान की विशेषता, यह सभी हमने समझ कर ली। इन धर्म ग्रंथों पर आज अर्थहीन और अभ्यासहीन टिप्पणियां हो रही है, इस पर आरोप हो रहे हैं, इन पर निरर्थक रूप से आक्षेप भी लिए जा रहे हैं। और सामान्य व्यक्तियों की अगर बात करें तो सामान्य व्यक्तियों का धर्म ग्रंथों का अध्ययन न होने के कारण जिस प्रकार के ये गलत आक्षेप हो रहे हैं उसको ही वो सत्य मान बैठते हैं। और इसीलिए आज के इस धर्म संवाद में धर्म ग्रंथों पर उठने वाले ये जो आक्षेप है इनका खंडन हम समझ कर लेने वाले हैं। सर्वप्रथम हम मनुस्मृति को समझने का प्रयास करेंगे और मनुस्मृति पर उठने वाले जो आक्षेप है इनकी वास्तविकता क्या है, ये सभी बातें हम आज के धर्म संवाद में जानकर लेने वाले हैं। आज हमारे साथ इस महत्वपूर्ण जानकारी देने हेतु, यह आक्षेपों का खंडन करने हेतु हमारे साथ उपस्थित है हिंदू जनजागृति समिति के राष्ट्रीय मार्गदर्शक सदगुरु डॉक्टर चारुदत्त पिंगले जी। नमस्कार सदगुरु डॉक्टर पिंगले जी। नमस्कार कार्तिक जी। सदगुरु डॉक्टर पिंगले जी, हम आज मनुस्मृति के बारे में आपसे जानकारी लेना चाहते हैं। सर्वप्रथम आपसे पूछना चाहेंगे भगवान मनु के जी के बारे में, भगवान मनु कौन है और मनुस्मृति किसने लिखी है, कृपया इसके बारे में आप हमें जानकारी दें। कार्तिक जी, संसार के जो प्रथम पुरुष है वह स्वयंभू मनु है, तो प्रथम जो स्त्री है उसे शतरूपा कहा गया है। सनातन धर्म परंपरा में विश्व की उत्पत्ति के साथ मानवों की जो उत्पत्ति की प्रक्रिया है वह स्वयंभू मनु एवं शतरूपा के माध्यम से प्रारंभ हुई। इन्हीं प्रथम पुरुष एवं प्रथम स्त्री, इसके माध्यम से उनके संतान और संतान के माध्यम से समस्त मानवों की उत्पत्ति हुई है, ऐसे सनातन धर्म कहता है। और मनु की संतान होने के कारण ही हमें मानव कहा जाता है, यह ध्यान में लेने की आवश्यकता है। परंतु सनातन धर्म परंपराएं छोड़कर, विश्व की जो अन्य देवनागरी लिपि और भाषाएं छोड़कर, सभी भाषाओं के जो मनुष्यवाची जो शब्द हैं, जैसे कि मैन है, तो मैन का भी एक व्युत्पत्ति का जो स्रोत है वो मनुष्य शब्द से ही जाता है। मनुज है, मानव है, आदम है, आदमी है, आदि, ये जो सभी प्रश्न शब्द है उसका उत्पत्ति का जो स्रोत जाता है वो मानव या जड़ तक जाते हैं तो मनु इस शब्द तक ही जाता है, यह हमें ध्यान में लेने की आवश्यकता है। तो सभी जो मनु है वो मानव जाति के संदेश वाहक है। मनु द्वारा रचित जो ग्रंथ है उसे मनुस्मृति ऐसे कहा जाता है। मनुस्मृति यह वेदों के बाद एक अत्यंत मान्यता प्राप्त ग्रंथ है। इसे अन्य भाषा में मनुसंहिता या मानव धर्म शास्त्र ऐसे भी नामों से जाना जाता है, क्योंकि समस्त मानव के उत्थान के लिए कैसे आचार विचार की जो दिशा होनी चाहिए, कोड ऑफ कंडक्ट कैसे होना चाहिए, उसके संदर्भ में मनु ने अपने धर्मशास्त्र मनुस्मृति में सब बताया है। अब परंपरा अनुसार यह जो मनुस्मृति है यह स्वयंभू मनु द्वारा ही रचित है। वैवस्वत मनु या प्राचीनेश मनु, इनके द्वारा वह निर्मित नहीं है। और मनुस्मृति से हमें यह भी पता चलता है कि स्वयंभू मनु के मूल शास्त्र का आश्रय लेकर महर्षि भृगु ने उस स्मृति का परिवर्तन किया था और जो प्रचलित मनुस्मृति के नाम से हम जानते हैं उसे, और इसे भार्गवीय स्मृति, भार्गवीय मनुस्मृति या नारदीय मनुस्मृति, इस नाम से उसका प्रचलन
प्रचलन होता है। तो इस प्रकार कार्तिक जी मनु यह स्वयंभू मनु यह इस विश्व की उत्पत्ति का पहला मानव है और मनु और शतरूपा के माध्यम से ही ये मनुष्य प्रजाति की निर्मिति हुई है, यह हमें जानकर लेने की आवश्यकता है। जी सदगुरु डॉक्टर कहिए जी, हम मनुस्मृति के बारे में उसकी विशेषता भी क्या है ये आपसे जानना चाहते हैं, कृपया इसके बारे में भी आप हमें बताएं। द्वारा रचित यह जो ग्रंथ है मनुस्मृति, यह प्राचीन सामाजिक तथा उस समय की राजकीय व्यवस्था है या करीब करीब 1000 वर्ष पूर्व तक जो भारतीय धर्म परंपराएं थी, राजनीतिक व्यवस्था थी, उसका एक आधारभूत ही ग्रंथ रहा है। यह हमें हमारे धार्मिक इतिहास से पता चलता है। वेदों के पश्चात भारत के जो उपलब्ध धर्म ग्रंथ और धर्म साहित्य है उसमें मनुस्मृति का जो स्थान है यह अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। मनु के इस ग्रंथ की रचना का काल अत्यंत प्राचीन माना जाता है और इतना प्राचीन कि विश्व की उत्पत्ति के साथ वेद और वेदों में जिसका संदर्भ आता है वह मनुस्मृति। तो मनु महाराज के जीवन और उसके रचना काल के विषय में इतिहास, हमारा जो धार्मिक इतिहास है, धर्म ग्रंथ है, पुराण है, उसमें वर्तमान में हमें स्पष्टता से उसका दाखला नहीं मिलता ऐसे दिखता है। तथापि सभी एक ही स्वर से यह स्वीकारते हैं कि मनु आदि पुरुष थे, प्रथम पुरुष थे और उनका यह जो शास्त्र है वह आदि शास्त्र है। मनु का यह जो ग्रंथ है मनुस्मृति, यह विश्व के मूलभूत तत्व जो है धर्म को लेकर सबको दिशा दर्शन करता है। व्यक्ति को जो धारण करता है वही धर्म है, धारणात् धर्मः। वस्तुतः मनु ने धर्म, समाज तथा राज्य इनकी एकरूपता स्थापित करने के लिए अनेक सिद्धांतों की रचना हमारे सामने रखी है। अब धर्मशास्त्रीय ग्रंथकारों के अतिरिक्त शंकराचार्य, शबर स्वामी, इनके जैसे श्रेष्ठ दार्शनिक और अवतारी पुरुषों ने भी इसका प्रमाण रूपेण करके इस ग्रंथ को उद्धृत किया है। अब मनु के इस ग्रंथ में तत्कालीन समाज, धर्म और राजनीतिक व्यवस्था का उल्लेख और विस्तृत वर्णन हमें मिलता है। इसमें सदाचार, धर्मोपदेश तथा समाज व्यवस्था की सर्वोत्तम जो वर्ण व्यवस्था थी, वर्णाश्रम पद्धति थी, उसका विस्तृत विवरण मनुस्मृति में हमें दिया है। और तात्कालिक समाज ही नहीं तो 1000 वर्ष पूर्व तक या 1000 वर्ष पूर्व से लेके तो सत्ययुग तक मनुस्मृति के वर्णाश्रम पद्धति का पालन मनु द्वारा प्रतिपादित नियमों के अनुसार ही हो रहा था और इसलिए तात्कालिक समाज पर मनुस्मृति का अत्यंत गहरा प्रभाव था, यह हमें स्पष्ट दिखाई देता है। और इस व्यवस्था के कारण किस सीमा तक समाज में चारों वर्गों का संतुलन बना रहा वह हमें हमारे धार्मिक इतिहास परंपरा में दिखाई देता है। तो इस प्रकार यह श्रेष्ठत्व है कार्तिक जी इसका। जी सर, गुरु डॉक्टर पिंगले जी, आपने मनुस्मृति की विशेषताओं के बारे में हमने यहाँ पर बताया। हम आपसे जानना चाहते हैं कि मनुस्मृति का प्रभाव जो है वो भारत तक ही सीमित है या विदेश में भी इसका प्रभाव है, कृपया इसके बारे में भी बताएं। कार्तिक जी, मनुस्मृति यह वह धर्म शास्त्र है जिसकी मान्यता जगन विख्यात है, यह हमें ध्यान में लेने की आवश्यकता है। न केवल भारत अपितु विदेश में भी इसके प्रमाणों पर या प्रमाण के आधारों पर निर्णय होते हैं और आज भी हो रहे हैं, यह हमें पता होना चाहिए। अतः धर्मशास्त्र के रूप में मनुस्मृति को विश्व का एक अमूल्य निधि माना जाता है, यह हमें ध्यान में आता है। भारत में वेदों के उपरांत सर्वाधिक मान्यता और सर्वाधिक प्रचलन मनुस्मृति का ही रहा है। इसमें चारों वर्ण, चारों आश्रम, 16 संस्कार तथा सृष्टि के उत्पत्ति के अतिरिक्त
राज्य व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, राजा का कर्तव्य क्या होना चाहिए, भांति भांति के विवादों में निर्णय कैसे करना चाहिए, सेना का प्रबंध आदि, उन सभी विषयों पर परामर्श दिया है जो कि मानव मात्र के जीवन में घटित होना संभव है। यह सब जो मनुस्मृति बताई हुई धर्म व्यवस्था है वो पूर्णतः वेदों पर ही आधारित है, वेद मूलक है। और इसलिए एंटोनी रीड वे कहते हैं कि बर्मा, थाईलैंड, कंबोडिया, जावा, बाली आदि अगर हम देशों में क्षेत्र में जाते हैं तो धर्मशास्त्र और प्रमुखता मनुस्मृति इसका बड़ा आदर वहां पर किया जाता है। इन देशों में इन ग्रंथों को प्राकृतिक नियम देने वाला ग्रंथ माना जाता है और वहां के राजाओं से नागरिक यह अपेक्षा करते थे कि वे मनुस्मृति के अनुसार ही स्वयं का भी आचरण करें और राज्य व्यवस्था भी मनुस्मृति के अनुसार ही चले। इन ग्रंथों का प्रतिलिपिकरण किया गया, इन ग्रंथों का अनुवाद किया गया और स्थानीय कानूनों में इन ग्रंथों के प्रावधानों को सम्मिलित किया गया, ऐसे स्पष्टता से ये बताते हैं। अब बाइबल इन इंडिया नामक ग्रंथ के लेखक जो है लुई जैकोलियट भी अपने इस ग्रंथ में लिखते हैं कि मनुस्मृति ही वह आधारशिला है जिस पर चाहे मिस्र हो, पर्शिया हो, ग्रेसियन हो या रोमन, इन सभी देशों की कानूनी संहिताओं का निर्माण हुआ है। और वे आगे कहते कि आज भी यूरोप में मनु का प्रभाव अनुभव किया जा सकता है। यानी संक्षेप में उन्होंने अंग्रेजी में यही कहा था कि मनुस्मृति वॉज द फाउंडेशन अपॉन विच द इजिप्शियन, द पर्शियन, द ग्रेसियन एंड द रोमन कोड्स ऑफ लॉ वेर बिल्ट एंड दैट द इन्फ्लुएंस ऑफ मनु इज स्टिल फेल्ट इन यूरोप। तो केवल भारत में ही नहीं तो आशिया खंड में और यूरोपीय खंड में मनुस्मृति का केवल प्रभाव ही नहीं तो वर्तमान उनकी जो संविधाने हैं, कानूनी संहिताएं हैं, उसमें भी मनुस्मृति के प्रावधान स्पष्टता से परावर्तित हो रहे हैं, ऐसे वे आज भी आपको दिखेंगे ऐसे वे कह रहे हैं। तो यह बात बहुत महत्व की है कि जहां पर मनुस्मृति का निर्माण हुआ लिखा गया वहां पर झूठे सेक्युलरिज्म के नाम पे सेक्युलर इंटेलेक्चुअल और एक झूठे वामपंथ के नाम पर हिंदू धर्म को, सनातन धर्म परंपरा को विरोध करने वाले ये जो लेफ्टिस्ट इंटेलेक्चुअल है जो स्वयं को प्रोग्रेसिव और लिबरल और बुद्धिवादी कहते हैं, यह मनुस्मृति को जब भारत में नाकार रहे हैं उसके तुलना में पूर्ण आशिया और यूरोप में उनके संविधान और उनकी कानूनी प्रक्रिया मनुस्मृति से प्रभावित है, यह आज भी आपको देखने को मिलेगा, ऐसे स्पष्ट उन्होंने बताया है। कार्तिक जी जी सर, गुरु डॉक्टर पिंगले जी, आपने जो ये जानकारी हमें दी है ये शायद ही बहुत कम लोगों को पता होगा कि विदेश में भी जो कानूनी संहिता बनी है उनका आधार भी कहीं ना कहीं तो मनुस्मृति से ही लिया गया है, बहुत सी जानकारी मनुस्मृति से उसमें ली गई है। तो इतना यह महान धर्म ग्रंथ, यह स्मृति हमारे सनातन धर्म की है, परंतु बहुत सारे लोगों को, हमारे हिंदुओं को, सनातनियों को इसके बारे में पता नहीं है। मैम, इसके बारे में मैं आगे पूछना चाहता हूँ कि इस पर एक आरोप भी होता है कि जब ब्राह्मणों का वर्चस्व खत्म होने लगा तो उस वक्त ब्राह्मणों ने मनुस्मृति लिख डाली, तो क्या ये आरोप सत्य है? कृपया इसके बारे में भी आप हमें बताएं। कार्तिक जी, सर्वप्रथम मैं तो आपको यही बताना चाहूंगा कि महर्षि व्यास, जिनको हम गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु परंपरा के प्रतीक करके पूजन करते हैं, वह वर्ण व्यवस्था के कारण ही शूद्र जन्म से लेके ब्रह्मर्षि ब्राह्मण बने थे, फिर उसके बाद हंस वर्ण में प्रवेश किया था, चाहे महर्षि वशिष्ठ हो या वाल्मीकि हो। तो मूलतः चातुर्वर्ण यह इसी देह में वर्णों से उत्थान करके हंस वर्ण में प्रवेश करने की प्रक्रिया थी। और जब आत्मज्ञान और धर्म के संदर्भ में आप अध्ययन करते हो और अध्यापन करते हो तो आप ब्राह्मण वर्ण में प्रवेश करते थे। तो सभी वर्णों को ब्राह्मण वर्णों में प्रवेश था और सभी वर्ण त्याग कर हंस वर्ण में प्रवेश करना यह मनुष्य जन्म का ध्येय होता था। तो उस समय वर्ण के नाम पर
कोई व्यक्ति परिवार स्थायी रूप में ब्राह्मण नहीं होता था, तो यह निरंतर उत्क्रांत अवस्था में अलग अलग व्यक्ति अलग अलग वर्णों से वो अधिकार पर विराजमान होकर बाद में हंस वर्ण में प्रवेश करके जाते थे। तो आज के लोगों के आक्षेप के दृष्टि से देखा तो वर्ण व्यवस्था में यह आक्षेप लागू ही नहीं होता है, यह उनके वर्ण व्यवस्था के अज्ञान के बारे में और ब्राह्मण द्वेष के बारे में उनका या हिंदू सनातन धर्म परंपरा के बारे में जो विद्वेष है वही वो प्रकट कर रहे हैं, यह हमें सबसे पहले जानकर लेने की आवश्यकता है। अब दूसरी बात है कि मनुस्मृति के इस कार्यकाल का जब हम अध्ययन करेंगे तो इस प्रकार के ये आरोप कितने निराधार हैं वह भी हमें ध्यान में आ जाएगा, क्योंकि मनुस्मृति मूलतः रामायण और महाभारत से भी प्राचीन है। और महाभारत से प्राचीन मनुस्मृति कैसे है वह हम सबसे पहले जान कर लेंगे। तो द्वापर युग के महाभारत में महाराजा मनु की चर्चा बार बार की गई है। महाभारत के चाहे अनुशासन पर्व हो या शांति पर्व में हो, मनु महाराज की चर्चा बारंबार आती है। किंतु मनुस्मृति में महाभारत या कृष्ण या वेद व्यास इनके नाम तक की चर्चा वेदों में नहीं आती है। आखिर क्यों? क्योंकि महाभारत का रचना काल इनका अगर हम अध्ययन करते हैं तो कलयुग काल गणना के अनुसार, कलयुग वर्ष काल गणना के अनुसार 5122 वर्षों से अधिक वर्ष हो चुके हैं महाभारत की रचना को, और उसके पूर्व करीब करीब 50 वर्ष महाभारत का प्रत्यक्ष युद्ध हुआ था और महाभारत की रचना हुई थी। अगर अंग्रेजी संशोधकों की दृष्टि से देखते हैं तो महाभारत का रचना काल वे 3150 ईसा पूर्व ऐसा मानते हैं, यानी आज से लगभग 5165 वर्ष पूर्व का महाभारत का रचनाकाल माना जाता है। तो यह तो सबसे पहले निश्चित हो जाता है कि मनुस्मृति यह 5165 वर्ष पुरानी है ही है ही। अब मनुस्मृति रामायण से कैसे प्राचीन है वह अभी हम समझ कर लेंगे। अभी हमने महाभारत के काल से तुलना करके मनुस्मृति महाभारत से प्राचीन है यह देख लिया, परंतु भगवान श्री राम का जो अवतार है वह त्रेता युग में हुआ और उसके 200-250 वर्ष पूर्व महर्षि वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना किया था। तो महर्षि वाल्मीकि रचित जो रामायण है, और रामायण में तीन जगह श्लोक क्रमांक अभी आपको स्क्रीन पर दिखेंगे कि ये जो मनुस्मृति के श्लोक है इसमें महाराज मनु को कितनी प्रतिष्ठा मिली है रामायण के वह हमें देखने को मिलता है। महाभारत और रामायण में ऐसे कुछ श्लोक है जो मनुस्मृति से जो कि तो लिए गए हैं। अंततः यही सिद्ध होता है कि मनु महाराज भगवान श्री कृष्ण और प्रभु श्री रामचंद्र जी के पहले हुए थे और उनकी जो मनुस्मृति है वह उन्हीं के ही काल में यानी राम जी के पूर्व ही लिखी गई थी। किष्किंधा कांड में श्री राम जब अत्याचारी बाली को घायल कर उन्हें दंड देने के लिए मनुस्मृति के श्लोकों का उल्लेख करके प्रमाण देते हुए ये कहते हैं और उसे अनुज की भार्या विमर्श यानी अनुज की भार्या को बलपूर्वक अपनाने के दोषी बताते हुए मैं तुझे यथोचित दंड कैसे ना देता ऐसे प्रश्न पूछते हैं और उसका संदर्भ होता है मनुस्मृति। तो अभी हम जो मनुस्मृति के तीन श्लोक बारी बारी से स्क्रीन पर देखेंगे तो उसका तात्पर्य यही है कि इसमें जो श्लोक क्रमांक 30 है उसमें मनु का नाम स्पष्टता से आया है और श्लोक क्रमांक 31 और 32 है यह मनुस्मृति के ही श्लोक है और उपरोक्त सभी श्लोक मनुस्मृति के अध्याय 8 में से लिए गए हैं। तो अंततः यही सिद्ध होता है कि श्लोकबद्ध मनुस्मृति जो महर्षि वाल्मीकि रचित रामायण में अनेक स्थानों पर उसको उल्लेख आया है, उसको उद्बोधित किया है, तो मनुस्मृति रामायण काल से भी पहले ही विद्यमान थी यह स्पष्ट होता है। अब मनुस्मृति का काल निर्धारण भारतीय शास्त्रों के अनुसार यदि हम अध्ययन करते हैं तो वह भी रामायण काल से प्राचीन ही होता है
और यह ध्यान में आए इसलिए वेद में बताए गए मनु और उसकी संतानों के वर्णन को समझ कर लेते हैं। ऋग्वेद के दशम मंडल के सूक्त 62 में 8वीं से लेकर 11वीं ऋचाएं में सावर्णी मनु के प्रति वो समर्पित करके लिखे गए हैं। इसका मतलब ऋग्वेद के दशम मंडल के लिखान के पहले ही मनु को मान्यता प्राप्त हुई थी। ब्रह्मा जी के एक कल्प में कुल 14 मनु यानी अर्थात 14 मनवंतर होते हैं और मनवंतर अर्थात मनु अधिक अंतर, मनु की आयु अर्थात एक मनवंतर होता है और ऐसे 14 मनु के माध्यम से 14 मनवंतर ब्रह्मा जी के एक कल्प में होते हैं। तो 14 मनु और उनके मनवंतर को मिलाकर एक कल्प बनता है और एक मनवंतर के काल के खत्म होने पर एक प्रलय आता है। उस प्रलय में सभी मनुष्य प्राणी जगत विलुप्त हो जाता है अर्थात धरती पर से जीवन समाप्त हो जाता है और इसके बाद पुनश्च सृष्टि का क्रमशः उत्पत्ति का प्रारंभ होता है। ऐसे स्पष्टता से अधिकार से हमारे वेदों में और धर्मशास्त्र बताया है। परंतु केवल 14 मनु की बात नहीं की तो 14 मनुओं के नाम के साथ हमारे पास इतिहास उसका उपलब्ध होता है। 14 मनु के नाम में स्वयंभू मनु, स्वरोचिष मनु, औत्तमी मनु, तामस मनु, रैवत, चाक्षुष, वैवस्वत, सावर्णी, दक्ष सावर्णी, ब्रह्म सावर्णी, धर्म सावर्णी, रुद्र सावर्णी, रौच्य या देव सावर्णी और भौत या इंद्र सावर्णी, ऐसे 14 मनु के नाम हमें और कार्यकल स्पष्ट मिलता है। और अब तक वराह कल्प के स्वयंभू मनु, स्वरेचिष मनु, उत्तम मनु, तामस मनु, रैवत मनु, चाक्षुष मनु तथा वैवस्वत मनु के मनवंतर बीत चुके हैं और वर्तमान में अब वैवस्वत तथा सावर्णी मनु की अंतरदशा चल रही है ब्रह्मांड में। तो सावर्णी मनु का आविर्भाव विक्रम संवत के प्रारंभ होने से 5630 वर्ष पूर्व हुआ था। तो इससे भी हमें ध्यान में आता है कि मनु का काल कितना प्राचीन है, हमारी कालगणना कितनी प्राचीन है और उसका जो धार्मिक इतिहास मौखिक और लेखन स्वरूप में हमारे पास उपलब्ध है तो वो प्रमाण हमारे लिए कितना महत्व का है। अगर हम सरस्वती सभ्यता के आधार पर मनु का काल निर्धारण करने का प्रयास करते हैं तो अभी जो आप स्क्रीन पर श्लोक देख रहे हैं तो मनुस्मृति के 11वें अध्याय में ब्रह्म हत्या का एक प्रायश्चित बताया है और इस श्लोक अभी जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं जिसमें कहा गया है कि केवल हविष्य भोजन करते हुए यानी जो धर्म के लिए सम्मत है, जो हविष्य यानी जो हवन करने योग्य है यानी सात्विक है, शाकाहारी है, ऐसे भोजन करते हुए सरस्वती की नदी की धारा के विरुद्ध चलना तथा तैरना यह उसके लिए उपाय बताया है। तो सरस्वती सभ्यता का इतिहास सहस्त्रों वर्ष पूर्व प्राचीन है। अभी राखालगढ़ी में प्राप्त वस्तुओं की प्राचीनता को पुरातत्व विभाग ने 10 सहस्त्र वर्ष पूर्व का काल उसको मानकर निर्धारित किया है। यदि मनुस्मृति में सरस्वती नदी की धारा का उल्लेख है तो मनुस्मृति केवल 2 सहस्त्र वर्ष पूर्व की कैसे हो गई? अभी ये जो वामपंथी लेफ्टिस्ट इंटेलेक्चुअल है या सेकुलर इंटेलेक्चुअल है वे कहते हैं कि मनुस्मृति 2000 वर्ष पूर्व की है और कुछ धूर्त तो अभी जो अंग्रेज ये लेफ्टिस्ट इंटेलेक्चुअल है, वामपंथी इंटेलेक्चुअल है, वे तो कहते हैं कि मनुस्मृति तो अभी 400-500 वर्ष पूर्व की ही है, उससे पुरातन है ही नहीं। तो फिर मनुस्मृति में सरस्वती नदी का उल्लेख आता कैसे, यह प्रश्न। तो ये जो झूठा षड्यंत्र वामपंथी लगाकर मनुस्मृति पुरातन नहीं है ये बताने का प्रयास कर रहे हैं, मनुस्मृति आधुनिक साहित्य ये बताने का प्रयास कर रहे हैं, परंतु मनुस्मृति वेदों के समतुल्य विश्व के उत्पत्ति के साथ मनु के अवतरण के साथ ही निर्माण हुई है। यह वेदों के इतने ही महत्व की धर्म ग्रंथ की वह एक आलेख में बैठने वाले हमारे ग्रंथ है। तो
लेस्टी षड्यंत्र करके जितना उसको झूठा साबित करने का प्रयास करे उतने अपने ही जंजाल में ये लेफ्टिस्ट इंटेलेक्चुअल फंस फंस के वे अभी भारत के सत्यता पुरातनता और शाश्वतता को उजागर कर रहे हैं, ऐसे मुझे लगता है। तो काल का सप्रमाण अध्ययन करने के बाद मनुस्मृति के विषय में ये जो सेक्युलर इंटेलेक्चुअल लेफ्टिस्ट इंटेलेक्चुअल जो हम पर आरोप लगा रहे हैं, ये आरोप कितने निराधार है, ये कितने षड्यंत्र पूर्वक किए जा रहे हैं, और वे अभी अपने ही षड्यंत्र में कैसे फंस रहे हैं, और अभी सनातन धर्म की सत्यता और गौरवशाली परंपरा कैसे उजागर हो रही है अपने आप ईश्वरी योजना के अनुसार, वही हमें ध्यान में आता है कार्तिक जी। और इसलिए ये जितना षड्यंत्र करके हमारे ऊपर लांछन लगाने का प्रयास कर रहे हैं उतने ही प्रखरता से उतने ही तेज से सनातन धर्म परंपराएं, धर्म संस्कृति, धर्म विज्ञान, सनातन परंपरा की कालगणना, ये सब सनातन विज्ञान सब उभर के एक नवनिर्मित और धर्म स्थापना की ओर यह काल जा रहा है, यह हमें समझने की आवश्यकता। और इसलिए मैं सभी श्रोताओं से आह्वान करना चाहता हूं कि परात्पर गुरुदेव डॉक्टर आठवले जी ने सनातन संस्था के माध्यम से ये जो हिंदू राष्ट्र की स्थापना का भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने के लिए जो अभियान शुरू किया, इसमें आप जरूर शामिल हो जाइए। भारत को पुनश्च विश्व गुरु बनाकर भारत की वो गरिमा वापस लाने के प्रयास में जो प्रयास हो रहे हैं, यही वर्तमान काल के श्री हरि विष्णु का एक धर्म संस्थापना का कार्य है। हमें धर्म का प्रसार करना होगा, समाज धर्म की शिक्षा देनी होगी। हमारा धर्म का जो इतिहास है, कालगणना, धर्म विज्ञान, इसके बारे में जनता को अवगत करना होगा। समाज को साधना करके सत्व प्रधान समाज की निर्माण करनी होगी, और इसी के माध्यम से धर्म संस्थापना का परात्पर गुरुदेव डॉक्टर आठवले का यह कार्य पुनश्च भारत को हिंदू राष्ट्र की स्थापना और भारत को विश्व गुरु बनाएगा। हम सभी को एक धर्म कर्तव्य करके इसमें सहभागी होने की आवश्यकता, ऐसे मुझे लगता है। मैं प्रभु श्री रामचंद्र, भगवान श्री कृष्ण, इनके चरण में यही प्रार्थना करता हूँ कि ऐसी सद्बुद्धि हम सभी को मिले और इस कार्य में हमारा सहभाग हो। इसी प्रार्थना के साथ मैं मेरी वाणी को यही विराम देता हूँ। जी सदगुरु डॉक्टर पिंगले जी, मैं यहाँ पर सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा कि यहाँ पर हमें सदगुरु डॉक्टर पिंगले जी द्वारा मनुस्मृति के बारे में, मतलब द्वापर युग में महाभारत काल में उसका उल्लेख कहाँ पर हुआ है, त्रेता युग में रामायण में उसका उल्लेख कहाँ पर हुआ है, इन सभी तथ्यों के साथ, श्लोकों के साथ यहाँ पर हमने बताने का आपको प्रयास किया है। तो उद्देश्य यही है कि ये जो लेफ्टिस्ट है, ये जो सेक्युलर पंथी है, ये जो वामपंथी लोग है, जो हिंदू धर्म विरोधी है, तो वो लोग हिंदू धर्म को किस प्रकार से गलत साबित करने का प्रयास करते हैं, उनका षड्यंत्र कैसे रहता है, ये हम समझ कर ले रहे हैं, ये हमें ध्यान में भी आया हुआ। तो इन सभी आक्षेपों का खंडन हमें करना बहुत महत्वपूर्ण है, और इसी के लिए यह धर्म संवाद आज हमने यहाँ पर सुना। हमने यहाँ पर मनुस्मृति तथा उसके विषय में आने वाले आक्षेपों के विषय में यहाँ पर सदगुरु डॉक्टर पिंगले जी से जानकारी ली, इसलिए हम उनके प्रति बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। और मैं आगे के धर्म संवाद में भी हम इस विषय से संबंधित और भी प्रश्नों की जानकारी आपसे हम लेंगे। सभी दर्शकों से यह आह्वान है कि यह विषय अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना, यह हम सभी का धर्म कर्तव्य है। जितना अधिक से अधिक इसका प्रसार होगा, यह धर्म का ज्ञान लोगों तक जाएगा, ये जो आक्षेपों का खंडन लोगों तक पहुंचेगा, तभी एक जागृति सभी समाज में आएगी, और तभी हम पुनः एक बार यह परिवर्तन शुरू हो सकता है। इसलिए सभी से मैं अनुरोध करता हूं, अगर आप फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो आप अवश्य वॉच पार्टी करें, अगर YouTube से देख रहे हैं तो आप सभी आपके परिचितों को, मित्रों को आप ये शेयर कर सकते हैं, और अधिक से अधिक मात्रा में यह जो धर्म संवाद मनुस्मृति के बारे में हम देख रहे हैं इसको प्रसारित कर सकते हैं। यदि आपके मन में कुछ प्रश्न है, कुछ शंका है, अथवा आपके कोई सुझाव हो, तो आप अवश्य कमेंट बॉक्स में हमें लिख कर दे सकते हैं। आज के इस धर्म संवाद को हम यही विराम देते हैं। भगवान वेद नारायण तथा भगवान मनु के कृपा आशीर्वाद से ही आज का यह कार्यक्रम निर्विघ्न रूप से संपन्न हुआ, इसलिए उनके चरणों में कृतज्ञता व्यक्त करते हुए मैं अपनी वाणी को उनके चरणों में विराम देता हूँ। सभी को नमस्कार।